हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आप लोगों के लिए फिर एक दो नई जानकारियां लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी, और अगर पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हम लोगों को हौसला मिलता है, ताकि हम आपके लिए कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर के आ सकें। अब आज की जानकारी क्या है कि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को आज सुबह 7 बजे 6 लोगों को फांसी दे दी गई कुवैत के सेंट्रल जेल में। अब उसका क्या कारण था, उनको फांसी किस लिए दी गई, भाई लोग जरा गौर से सुनिएगा। इसमें से टोटल 7 लोग थे, इन 6 लोगों को फांसी दी गई। उसमें से इनके ऊपर में आरोप ये था कि इन लोगों ने मिलकर के अपने एक दोस्त को मारा था। अब उसमें क्या हुआ, एन मोमेंट पे लास्ट में सजा का सब कुछ हो चुका था, सब कुछ फाइनल हो चुका था, लास्ट मोमेंट में एक लेडीज जो थी उसको मतलब माफ़ी दे दी गई। 6 लोगों को फांसी हो गई, एक जो लेडीज थी उसको माफ़ी मिल गई है, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लड मनी लेकर के या जैसे भी करके समझौता करके उसके जो घर वाले थे उनको माफ़ कर दिया औरत को। बाकी अब इनमें क्या, इनमें कौन कौन से लोग थे, इनमें से 3 कुवैती नागरिक थे, 2 ईरानी थे और 1 पाकिस्तानी था। ये सभी लोगों ने मिल करके एक अपने दोस्त को मारा था, उनको उनके ऊपर में कानूनी प्रक्रिया करने के बाद में इन लोगों को फांसी दे दी गई। अब दूसरी जानकारी भाई लोगों ये है कि जो भी आप लोग, हम लोग सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप चलाने वाले थोड़ा सावधान हो जाए। व्हाट्सएप में क्या दिक्कत आ रही है कि अभी एक प्रवासी महिला को धोखाधड़ी वाले बैंक लेन देन से जुड़े घोटाले की रिपोर्ट करने के बाद जालसाजी के मामला सामने आया है। अब हुआ क्या कि महिला ने कहा कि उसे व्हाट्सएप में एक मैसेज मिला था जिसमें घरेलू सामान को मतलब उसमें उसको ऐसा आकर्षक ऑफर दिया गया था कि मैसेज दिया गया था कि आप अगर घरेलू सामान खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिस्काउंट मिलेगा और आपको डिलीवरी भी फ्री मिल जाएगी। तो प्रोसेसर को जब जवाब में 20 दिनार की कीमत की वस्तुएं खरीदने, अगर आप 20 दिनार तक का सामान खरीदने के लिए सहमत हो तो आपको ये सब मतलब जो है फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो हुआ क्या, तो अब उसने पीड़ित ने बताया कि घोटालेबाजों ने शुरू में डिलीवरी पर नकद स्वीकार करने की सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, ठीक है, लेकिन जोर देकर कहा कि पहले आप एक लिंक पर मतलब हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं तो आप टोकन मनी के तौर पे 500 फिल्स यानी कि आधा दिनार आप जमा कर दो इसमें, तो हमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ आपको सामान लेना है। अब वो महिला ने क्या किया कि जैसे ही उनके ऊपर विश्वास में आकर के उन्होंने उस लिंक के ऊपर में हाफ के डी जो है भाई लोगों को पेमेंट कर दिया। अब हुआ क्या कि जो उसके बाद में वो महिला के अकाउंट्स, उस महिला को तुरंत लिंक का जैसे उन्होंने किया तब उसको ये देख करके झटका लगा कि उसके खाते से एकदम से 209 दिनार 800 फिल्स निकाल लिए गए। प्रवासी महिला ने अधिकारियों को फोन नंबर दिया जिसमें यह साफ संपर्क में था कि सुरक्षा स्रोतों ने सुझाव दिया कि धोखाधड़ी और संचालन के लेकिन नंबर ये लोकल ही नंबर था। अब उसको किस कैसे सेट किया गया था इसकी जाँच चल रही है। तो भाई लोगों, अगर आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में कोई भी अननोन लिंक आता है। और दूसरा मेरा एक सजेशन ये था कि जैसे भाई लोगों, हम लोग तो चलो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, तो ऐसे ही मतलब फांसी का सजा का प्रावधान हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने कई वीडियो भी बनाए लेकिन लोगों ने वो देखे नहीं है ज़्यादातर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।